लिवासा हॉस्पिटल होशियारपुर ने वर्ल्ड हार्ट डे के शुभ अवसर पर एक भव्य वॉकथॉन का आयोजन किया। इस खास मौके पर जिलाधीश कोमल मित्तल ने इवेंट की शुरुआत करवाई और खुद भी शहरवासियों के साथ वॉकथॉन में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत लिवासा हॉस्पिटल के प्रांगण से हुई, जहां लिवासा हॉस्पिटल के GM अभिनव श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाया, वहाँ से सभी प्रतिभागियों को आगे भेजा, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। वॉकथॉन की यात्रा माल रोड से शुरू होकर शिमला पहाड़ी चौक, फूड स्ट्रीट और जिला डिजिटल लाइब्रेरी रोड के रास्ते से होते हुए पुलिस लाइन में समापन समारोह के साथ संपन्न हुई। इस मौके पर जिलाधीश कोमल मित्तल ने हार्ट हेल्थ के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्वस्थ दिल के लिए नियमित व्यायाम बेहद जरूरी है। उन्होंने लिवासा हॉस्पिटल द्वारा किए गए इस प्रयास की सराहना की और इसे लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का बेहतरीन तरीका बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को रिफ्रेशमेंट और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वॉकथॉन ने न केवल शहरवासियों में दिल के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई, बल्कि समुदाय को एकजुट होकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। GBC अपडेट के साथ बातचीत के दौरान जिलाधीश कोमल मित्तल एवं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रवि कुमार ने क्या महत्वपूर्ण जानकारी साझी की है, ये हम आपको भी वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। कैमरामैन पवन कुमार के साथ बजरंगी पांडे की रिपोर्ट। वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में जो वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है लिवासा की ओर से, क्या कुछ संदेश है शहरवासियों को? नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि कुमार भी, एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, लिवासा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होशियारपुर। आप सबको वर्ल्ड हार्ट डे 2024 जो 29 सितंबर को सेलिब्रेट होता है, उसकी तरफ से मुबारकबाद है। हम वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक है, उसके बारे में लोगों में, पॉलिसी मेकर्स में और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस में अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि इस प्रिवेंटेबल बीमारी जो है इसके इम्पैक्ट कम करने के लिए हम मेजर्स इंश्योर करें। और पॉलिसी मेकर्स के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वो ऐसे पॉलिसीज बनाएं जिसकी वजह से इम्पैक्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो हार्ट और वैस्कुलर डिजीज़ होता है, मेनली हार्ट अटैक और स्ट्रोक, उनकी वजह से जो जाने जाती है उसको हम कम कर सके। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ माने हार्ट अटैक और स्ट्रोक जो है, 1/3 ऑफ डेथ्स का लीडिंग कॉज है। तो इसमें 80% जो होता है वो प्रिवेंटेबल होता है। हम हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करके इनको 80% तक कम कर सकते हैं, जिसमें हेल्थी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग छोड़ना, अल्कोहल छोड़ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें करके हम 80% ऑफ डेथ्स कम कर सकते हैं। तो वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करने का मेन मकसद है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें इसके बारे में, इनको प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स होते हैं, और गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स के लिए ये याद कराए कि ऐसे पॉलिसीज बनाएं ताकि हेल्थी हार्ट रहे, लोग हेल्थी रहे और डेथ्स प्रिवेंट हो सके। डॉक्टर साहब, जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसे अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन एक्सरसाइज कितना करना चाहिए या क्या कुछ खान पान का रूटीन उनको अपनाना चाहिए? जो डाइट होता है उसमें हम बेसिकली बोलते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक इंक्रीज करना चाहिए, फाइबर ज़्यादा होना चाहिए, और प्रोटीन इंटेक जो होता है वो लीन होना चाहिए, मतलब मीट इंटेक जो होता है वो लीन मीट का इंटेक होना चाहिए। मैं फिश, चिकन, मटन अवॉइड करना चाहिए, एग वाइट यूज़ करना चाहिए, और जो फैट्स होते हैं उसमें जो सैचुरेटेड फैट्स या ट्रांस फैट्स होते हैं जो डीप फ्राइड चीज़ों में होता है, ये अवॉइड करना चाहिए, बटर अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली हेल्थी डाइट में फ्रूट्स और नट्स इंक्रीज करना चाहिए। जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होते हैं हम बोलते हैं कि मॉडरेट डिग्री, जो ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, अपनी एज और फिटनेस के हिसाब से एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे या 150 मिनट्स पर वीक ये रिकमेंडेड होता है। 30 मिनट कम से कम सैर करना है, सैर करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। हाँ जी, और हफ्ते में 150 मिनट तक का मिनिमम रेकमेंडेड है, बाकी अपने अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से लोग इसको बढ़ा सकते हैं, ये तो मिनिमम जो रेकमेंडेड होता है जी। आज वर्ल्ड हार्ट डे पे लिवासा IBY हॉस्पिटल हेल्थ केयर वालों एक मैराथन कीती गई है, वॉकथॉन कीती जा रही है, ये सारे लिए ही मैसेज है कि किस तरह सानू सारे नू ही इस भाग दौड़ वाली जिंदगी दे विच
अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिस दे विच एक हेल्थ जो है साड़ी पूरी ही शरीर दे विच साड़ी पूरी हेल्थ दे विच एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वॉकथॉन दे लई मैं लिवासा नूं ते नाल ही सारे ही पार्टिसिपेंट्स नूं मीडिया नूं बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। ये जिथे एक मैसेज भी पहुँचाएगा कि सानू साड़ी सेहत का ध्यान किस तरह रखना है, उत्थे ही आई थिंक लिवासा हेल्थ केयर जो इतना अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो होशियारपुर के अपनी हेल्थ सेवावान दे रहा है उसके बारे भी अवेयरनैस देगा। मैं एक बार फिर सारा बहुत धन्यवाद देने नाल ही सारे अपील कर रहे हैं कि अपनी सेहत का खास तौर पर अपने हार्ट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की सानू लोड़ है। तो इसे एक्सरसाइज करना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना, वॉक करना एक बहुत ही अच्छा साधन है। थैंक यू। आज मैम 116वीं जयंती जो है भगत सिंह जी के देश मना रहा है, तो आज सेलिब्रेशन भी किया जा रहा है, वर्ल्ड हार्ट डे को भी लेकर सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या कुछ संदेश जो है वो युवाओं को देना चाहते हैं? मैं देखिए शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिन की मुबारक सारे नु देना चाहते हैं, तो एक बहुत छोटा जहा मैसेज यही कि असी जेकर खास तौर पर साढ़े युवा साढ़ा यूथ जेकर उन्होंने रखे हुए सिद्धांत पर चलता है साढ़ा देश बहुत तरक्की कर सकता है। उन्होंने एक पंजाब के लिए साढ़े देश के लिए एक सपना देखा सी, तो साढ़े सारे की जिम्मेवारी बनती है कि उन्होंने जो कुरबानियां ने वो खराब ना जा, असी उन्होंने देखे हुए सपने के अनुसार असी अपने भारत को अपने पंजाब को मुड़ रंगला पंजाब बनाइए, ताकि साड़ा पंजाब बहुत तरक्की कर सके।